बताया था बता दिया, अब आपको पूछना है तो आपका अधिकार है, आप पूछ सकते हो। आप राम मंदिर आंदोलन के नेता रहे, उस समय और आज के परिवेश में, जैसे कि उस समय मुलायम सिंह ने कारसेवकों पर गोली चलाकर जो अत्याचार किया था, आज उसकी एक बार पुनः पुनरावृत्ति हो रही है, जैसे कि रामचरितमानस पर कटाक्ष कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, लेकिन उनका गत काठी इस समय सपा में बहुत ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, क्या कहेंगे? रामचरितमानस करोड़ों हिंदुओं के दिल में है, किसी के कहने से विरोध करने से यह श्रद्धा कम नहीं होगी, और ऐसे पब्लिसिटी के लिए बोलने वाले के प्रति दुर्लक्ष करो, उनका विरोध करके उनका मार्केटिंग करने का काम हम नहीं करेंगे। और किसी हिंदू भाई ने उल्टा सिल्टा कहा है, हम उन पर दुर्लक्ष करेंगे। तो क्या इस तरह से सनातन धर्म को तोड़ने के बार बार? अरे मेरे भाई, मुगलों के समय में भी सनातन धर्म नहीं टूटा है, तो अब क्या टूटेगा? जय श्री राम। धर्म को लेकर जिस भारत की जिस तरीके से आपने पूरा एक इतिहास भारत का बताया, मौजूदा वक्त में अगर देखा जाए तो हिजाब को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो शैक्षणिक संस्थान है, क्या उसमें हिजाब पहनकर जाना चाहिए? शैक्षणिक संस्थान तय करेगी कि उनके वहाँ ड्रेस कोड कौन सा होगा, उनका सबको पालन करना होगा, हमें भी करना होगा दूसरों, और पालन नहीं करना हुआ बच्चों को पढ़ने के लिए मत भेजे। लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि कर्नाटक से लेके यूपी तक में तमाम विद्यालयों में हिजाब पहन के लड़कियां जाती हैं, संस्थान के विरोध के बावजूद जो है कई संगठन भारत को अफगानिस्तान बनाने का प्रयास चल रहा है। जिस तरह से आज की राजनीति में धर्म को लेके विवाद हो रहे हैं, धर्म पूरे धर्म को लेके विवाद हो रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस तरह का होना चाहिए? ये विवाद से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुगल आकर चले गए तो अभी सनातन जिंदा है, हम 100 करोड़ है, इसलिए विवादों से न डरते न हटते हैं, हम अपने धर्म पर दृढ़ है। इसका मतलब ये माना जाए कि आप राजनीति करते रहो, हम तटस्थ हैं? नहीं, हम तटस्थ नहीं, हम दृढ़ है। तटस्थ और दृढ़ में अंतर है। भारत का जो बंटवारा हुआ वो धर्म के आधार पर हुआ, आखिर क्या वजह है कि भारत में इस्लाम का प्रचार जरूर होता है, बड़े पैमाने पर होता है, या फिर ईसाइयत का प्रचार होता है, लेकिन पाकिस्तान में सनातन आगे नहीं आ पाया, जबकि बहुत बड़े संख्या में हिंदू जो है पाकिस्तान में भी थे? उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करके संविधान से हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए था, यह एक कमी रह गई है, आगे जाकर हम मिलकर उनको पूरी करेंगे। तो अभी भी पीओके हमसे दूर है, हमारे हाथ में आ जाएगा, पाकिस्तान भी हमारे हाथ में आ जाएगा। कब तक आएगा? अरे भूखमंगे को हराना बहुत आसान है, जिनको खाने का नहीं उनके पास हथियार कहाँ से होंगे लड़ने के? नहीं, यह सपना नहीं, हमारा संकल्प है। सपना तो कभी उठने के बाद दिखता नहीं है, संकल्प मृत्यु और मृत्यु के बाद भी बना रहता है। सर, भारत हमारा हिंदू देश है, लेकिन अंग्रेजी का मानता क्यों है? मामला सामने आता रहता है लव जिहाद का, जहां हिंदू बेटियों की हमें सभी बेटियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षा की ट्रेनिंग देना शुरू किया है, मैंने उल्लेख किया, और केंद्र सरकार को भी एंटी लव जिहाद कानून बनाना चाहिए। मेरा विश्वास है कि 2024 के चुनाव के पहले काशी मथुरा के मंदिर निर्माण के लिए भी केंद्र में कानून बन जाएगा, और एंटी लहजेवाद कानून बनेगा, जहां योगी और मोदी है वहां जरूर कानून बना देंगे। आप कैंसर के डॉक्टर रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि इस समय सबसे बड़ा देश के लिए कैंसर क्या है? जिहाद। तो आप सर्जरी कर रहे हैं? सर्जन ही सर्जरी करेगा ना। सर्जरी कब तक चलेगी? जल्द पूरी हो जाएगी। सर, मेरा एक सवाल है, मेरे को भारत हिंदू राष्ट्र है, लेकिन अंग्रेजी की मान्यता क्यों है? पत्रकार है जी, यहाँ पर अंग्रेजी की मान्यता क्यों है? आपके हाथ में है, उसका नाम क्या है? HTV 24 न्यूज चैनल है। नहीं नहीं, न्यूज हिंदी में बोल रहे हैं, अंग्रेजी में बोल रहे हैं? नहीं, HTV 24 हिंदी में बोल रहे हैं, उसका नाम HTV 24।
बस यही मानसिकता है। जिस तरीके से राहुल गांधी जो है वो कन्याकुमारी से आज श्रीनगर पहुंचे हुए हैं और आज उनकी भारत यात्रा की अंतिम आज समापन है, क्या आपको लगता है कि कश्मीर में जाकर झंडा तोलन करने के बाद कांग्रेस को वो मजबूती मिल पाएगी जो उसको? मैं तो कैंसर का डॉक्टर हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का डॉक्टर नहीं हूँ। इसलिए पॉलिटिकल पार्टी को कितना फायदा होगा मुझे क्या पता, अब डॉक्टरी को पूछेंगे तो बताऊंगा। तो सर प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? बस 2024 में लोग मतदान वोटिंग करके ही बताएंगे, तो प्रवीण तोगड़िया को बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ मैं एक कहूंगा, काशी मथुरा अयोध्या तीनों के मंदिर बन जाए और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाए तो लोग भारत माता की जय और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी की सम्मति लेने की जरूरत नहीं। तो क्या आपको लगता है कि राम मंदिर निर्माण जो है वो मोदी के लिए काशी मथुरा के मंदिर भी बन जाता है और जनसंख्या नियंत्रण का कानून बन जाता है तो फायदा जरूर मिलेगा। राम मंदिर तो 450 वर्षों के 25 पीढ़ियों के परिश्रम से बना है, उनका फायदा एक को कैसे मिलेगा? खुद बना देते हैं काशी मथुरा और जनसंख्या नियंत्रण। सर आप लोग उस जमीन के हिस्सा हैं, जब अयोध्या मंदिर की लड़ाई चल रही थी, काशी मथुरा की बात हो रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार बनने के बाद आपसे और सरकार में कहीं ना कहीं मतभेद हुआ और आपने एक पैदल अपना संगठन खड़ा किया। बताओ मतभेद हुआ जी? ऐसा मैंने कहा कभी? नहीं सर। दूसरे ने कहा कभी जी? एक का नाम बताओ जिन्होंने कहा कि मतभेद हुआ, आप बताओ? नहीं, हमारे तो दिल एक है। अरे मेरे भाई, यहाँ से गोरखपुर जाना है तो कोई ट्रेन में जाएगा, कोई कार में जाएगा, कोई स्कूटर पर जाएगा, कोई बैलगाड़ी पर जाएगा, तो आपने रास्ता बदल दिया ऐसा थोड़े कहेंगे। हर एक की अपनी चॉइस है, मैं किसान का बेटा हूँ तो बैलगाड़ी में जाऊंगा। ये तो आपका मानना है कि आपने बैलगाड़ी की चला दी थी और पुनः लक्ष्य वही रहा, हिंदू राष्ट्र के प्रति आगे बढ़ना, तो क्या आपके मिशन में ये लगता है कि वो सफलता मिल रही है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है? बिल्कुल, भारत के गांव और गलियों में लाखों लोग मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मैंने नवरात्र में 3 प्रोग्राम दिए थे, कन्या पूजन, शस्त्र पूजन, चंडी पाठ। घरों में, गांव, शहरों में, कुमोल में 92,300 जगह पर शस्त्र पूजन चंडी पाठ हुआ है। उनका के करोड़ों का हिंदू जोड़ रहा है और जैसे डंके की चोट पर हमने राम मंदिर बना दिया, इतनी ही हिंदुओं की ताकत से काशी मथुरा के मंदिर भी बनेंगे, जनसंख्या नियंत्रण का कानून भी होगा और किसानों को फसल के दाम भी दिलवाएंगे। भारत माता की जय। तक दिलवा पाएंगे? इतिहास को कोई वर्ष में बांध देता है तो वो बांधने का अधिकार भगवान का है, मैं तो मानव हूँ। प्रयास करना और संकल्प करना मेरा काम है। लेकिन सर जब ओवैसी जैसे नेता जो है वो लगातार भाजपा का मार्केटिंग कर रहा है और आप भाजपा का मार्केटिंग ओवैसी का दिखा रहे हो, उनको दिखाना बंद कर दो, वो बोलना बंद कर देगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।